या मैंने खाना प्रोडक्शन को बना के दिया, सोप और सीरियल थे उसको मैं खाने बना के देती थी। अल्लाह मियाँ से यही दुआ थी कि अल्लाह उसे बहुत बड़ा स्टार बनाए, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई ज़िंदगी में, दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो अदाकाराओं शोबिज़ शख्सियात के हवाले से कोई कॉन्ट्रोवर्सीज आना कोई नई और बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी एक हालिया इंटरव्यू के दौरान फैसल कुरैशी की वालिदा अफशा कुरैशी एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब फैसल कुरैशी के हवाले से बात कर रही थी और बड़ी इमोशनल होकर उन्होंने कहा कि मैंने फैसल कुरैशी के लिए मक्का जैसी और मदीना जैसी पाक सरजमीन के ऊपर ये दुआ करवाई थी कि फैसल कुरैशी अमिताभ बच्चन जैसी शोहरत पाएं। तो ये एक वालदा के जज्बात थी जब वो बयान कर रही थी अपने बेटे के हवाले से, लेकिन इसी दौरान वो एक ऐसी बात कह जाती हैं जो लोगों को बात करने का मौका देती है और जहाँ से पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट होती है। अब इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, कितना प्रोपोगेंडा है, वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो जनाब, इंटरव्यू के दौरान अफशा कुरैशी ये कहती हैं कि ये दुआ तो मैंने करवा दी अपने बेटे के लिए कि वो बहुत शोहरत पाए, बड़े ही कामयाब इंसान बने प्रोफेशनली, लेकिन थोड़ी सी गलती मुझसे ये हो गई कि मुझे ये कहना चाहिए था, इसके बदले में मुझे ये दुआ करवानी चाहिए थी कि वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा बेटा बने, और बस ये बात कहना थी कि जितना भी सोशल मीडिया है वो फैसल कुरैशी के हवाले से बात करने लग गया और तनकीद एक तरह से फैसल कुरैशी के ऊपर शुरू कर दी गई। अब फैसल कुरैशी बहुत ही सीजनड अदाकार हैं और बड़े सीनियर अदाकार हैं, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी, जानदार अदाकारी करते हैं। जहाँ पर उनके बहुत से फैंस होंगे तो डेफिनेटली बहुत से लोग उनको नापसंद भी करते होंगे किसी ना किसी वजूहात की बिना पर। फैसल कुरैशी से मैं खुद भी मिली हूँ, मेरी मुतादिद मुलाकातें रही हैं जब हम बोल में काम करते थे, एक साथ कुलीग भी रहे हैं, तो बजाते खुद मैंने उनको बड़ा ही एक नफीस इंसान पाया है। लेकिन अगर उनकी वालिदा अपने बेटे के बारे में ये बात कह रही हैं तो अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसके पीछे ये वजह है कि वो अपनी माँ को, अपनी वालिदा से मोहब्बत नहीं करते या उनको खुश नहीं रखते, नाराज़ी का इजहार किया उनकी वालिदा ने एक तरह से। अफशा कुरैशी शायद अपने बेटे से खुश नहीं है या उनके दरमियान कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई नाराज़ी है। अफशा कुरैशी ने उस टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा क्या था, पहले हम ये सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। क्या मैंने खाना प्रोडक्शन को बना के दिया, बाबर जावेद की प्रोडक्शन थी, तो उसके कोई 5-6 सोप और सीरियल थे उसको मैं खाने बना के देती थी। अल्लाह मियाँ से यही दुआ थी कि अल्लाह उसे बहुत बड़ा स्टार बनाए, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई ज़िंदगी में, दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, खौफ खुदा में अपने माँ बाप की इज्जत शामिल है, ठीक है बेटा। तो यही बात मैं बयान करी थी अफशा कुरैशी ने जिस तरीके से बात की है, और लेकिन इसके बाद अफशा ने जब एक पेज के ऊपर देखा कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पोस्ट के नीचे जाकर कमेंट किया और उस कमेंट में उन्होंने कहा कि खुदारा इस बात को इस तरीके से ना सोशल मीडिया के ऊपर पोर्ट्रे किया जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप लोग झूठी खबरें और व्यूज़ की खातिर ऐसी बातें करना बंद करें। जब अफशा कुरैशी ने ये कमेंट किया उस पोस्ट के नीचे, तो उसी दौरान हमने देखा कि फैसल कुरैशी ने उस कॉमेंट का स्क्रीन शॉट लेकर अपनी स्टोरी में शेयर किया, जिसके अंदर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अम्मा आपने ये क्या कर दिया, आप लोग बातें कैसे बनाएंगे, आपने तो पूरा स्पाइस ही ख़राब कर दिया, पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। तो इस तरीके से पता चलता है कि या तो वाकई इस स्टोरी में कुछ नहीं था और लोगों ने बिला वजह बातें बनाई, बात का पतंगड़ बनाया जैसे कि लोग करते हैं, जैसे कि लोगों की आदत है सोशल मीडिया पर, या फिर फैसल कुरैशी और उनकी वालिदा के दरमियान कोई ना कोई नाराज़ी थी जिसे फैसल कुरैशी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी अम्मा को मना लिया, राज़ी कर लिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आप इस स्टोरी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।